Rejecting the center's invitation for conditional talks, farmers stood their ground on Sunday and refused to vacate the GT Karnal highway. Camping outside Delhi since Friday, Union Home Minister Amit Shah had invited farm unions for talks on the condition that they move the protest to Sant Nirankari Samagam ground in Burari on Saturday. जब सरकार ने गनवा को भी कंडीशन लगा दिया है हुण असी बुटारी पार्क में नहीं जाएंगे भी वो पार्क नहीं है वो ओपन जेल है उत्तराखंड के किसान तजेंद्र सिंह बिरक जो उत्तराखंड के किसानों का अध्यक्ष है उनकी अगुवाई में अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच चुके थे उन्होंने कहा हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं जो दिल्ली की पुलिस है दिल्ली का प्रशासन है उन्होंने उनके साथ धोखा किया तजेंद्र सिंह बिरक को कहा भी आइए तुमको जंतर मंतर में ले जाते हैं पर जंतर मंतर पर ले जाने की बजाय उनको घेर के बराड़ी पार्क में बंद कर दिया पांच मेन मार्ग है पहला जो सोनीपत वाला है जहां हम बैठे हैं सेकंड बहादुरगढ़ जो रोहतक बहादुरगढ़ वाली रोड है टिकरी वाला तीसरा जो जयपुर से दिल्ली हाईवे आता है पारू हेरा शायद उनका बॉर्डर है चौथा जो मथुरा से दिल्ली आता है मथुरा आगरा से उनका बलपुर है पांचवा जो इधर ईस्ट साइड से आता है गाजियाबाद से हापड़ ये पंजी जो पॉइंट है पंजी पॉइंटों पर असी रोड पर रोड जाम करके पंजी हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये पंजी पॉइंटों पर पंजी जो बिंदु है उन पर बैठेंगे द फार्मर्स आर डिमांडिंग द रिपील ऑफ 3 प्रो कॉर्पोरेट फार्म लॉज इनएक्टेड बाय द सेंटर हमारे पास सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको असी रूम का रूप दिया है उनमें गद्दे लगे हैं कपड़े हैं खाने का सभी सामान है हमारे साथ इतना राशन है जे 4 महीने भी हमको रोड पर बैठना पड़े तो 4 महीने हमारे साथ राशन है कोई साड़ी प्रॉब्लम नहीं है कोई कांग्रेस का हो बीजेपी का हो सवाल ही नहीं पैदा होता कांग्रेस का हो आम आदमी पार्टी का हो किसी और दल का हो किसी भी जो राजनीतिक दल है वो हमारे स्टेज पर बुलारे के तौर पर एज ए स्पीकर के तौर पर नहीं बोले On Sunday, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal also tweeted that the center must talk to farmers immediately without any preconditions. Several farmer leaders gave speeches atop tractors on the Haryana side of the Singhu border. The Delhi police remained stationed behind barriers mounted with barbed wires. In his Mann Ki Baat address, Prime Minister Narendra Modi said that new dimensions are being added to farming and allied industries. He said that Parliament gave agricultural reforms legal recognition. These reforms have not only removed many restrictions for farmers, but have given them new rights and opportunities. However, 300 to 400 trucks and tractors remain stationed on the Singhu border, refusing to enter the capital. They are demanding to protest at the Ramlila grounds.